हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं करूंगी एक्सरसाइज 9A क्लास 5 काउंटडाउन बुक है। इसका जो 1 और 2 क्वेश्चन है, मैंने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में इसको सॉल्व करवाया है, ठीक है। आज जो मैं करवाऊंगी इस लेक्चर में, मैं करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने क्या करना है, द एवरेज ऑफ 10, 20 and 30 इज क्या आएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 20 है, वो देखते हैं कैसे। तो मैं क्या करूँगी, 10 + 20 + 30 एवरेज निकालने के लिए कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, तो मैं किससे डिवाइड कर दूँगी, 3 से, ठीक है। 30, 20, 50, 50 में 10, 60 डिवाइडेड बाय 3 क्या आ जाएगा, 3 × 3 = 6 होता है 2 और 0 का 0 आ जाएगा। तो क्या आ गया, 60 को 3 से डिवाइड करने से हमारे पास 20 आंसर आ गया। तो हमारे पास करेक्ट आंसर भी क्या था, 20 था, ठीक है। इस तरह आया है 20। टू फाइंड द एवरेज 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, वो डिवाइड देयर सम बाय 4 से क्यों करेंगे, क्यों, ये एक नंबर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो 4 नंबर्स हैं। तो एवरेज निकालने के लिए जितने नंबर्स होते हैं उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। इफ़ ईच ऑफ द 5 लॉग्स इन 5 मीटर लॉन्ग, देन द एवरेज लेंथ इज, देखें कहने अगर 5 लॉग है इज 5 मीटर लॉन्ग और वो 5 मीटर ही लॉन्ग हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, 5 × 5 लिखेंगे और नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ही हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। सारे 5 को प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 3 = 25 होता है 5000। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, 5 मीटर आ गया, ठीक है। हम अगर 5 को 5 times प्लस करेंगे तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है। टू फाइंड द एवरेज ऑफ ए सेट क्वान्टिटीज, द क्वान्टिटीज आर एडिड, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए मैंने देखे यहाँ पे क्या किया था, इनको प्लस करते हो ना, बाद में डिवाइड करते हैं, पहले हम लोग प्लस करते हैं बाद में डिवाइड करते हैं। तो वो यही कह रहे हैं, एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। द एवरेज ऑफ ए डेटा विल बी मीन वैल्यू, मीन वैल्यू देखेंगे कैसे। अगर हम यहाँ से मीन वैल्यू देखें 10, 20 और 30, तो इसकी मीन वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 20। तो मेरे पास आंसर भी क्या आ रहा है, 20 एवरेज, ठीक है। इसी तरह आप ये देख लें कि हमारे पास क्या है, ये अगर मैं करती हूँ फाइंड आउट, तो इसमें मीन वैल्यू क्या है, 2 इधर 2 इधर, तो सेंटर वाला क्या है, 5 है। तो इसका एवरेज भी क्या आंसर आ रहा है, 5 ही आ रहा है, ठीक है। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। हम लोगों ने क्या करना है, वर्क आउट द एवरेज ऑफ दी सेट्स, हम लोगों ने एवरेज निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 14, 27, 5, 19, 10 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी एवरेज निकालने के लिए हमारे पास बाद में आंसर आना चाहिए 15। तो देखते हैं कैसे करना है। देखें एवरेज फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पर एवरेज लिखें इज इक्वल टू जितने नंबर्स हैं वो लिखें, प्लस 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 और जितने नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो उससे डिवाइड कर दें। तो मेरे पास इनको सम अप करके 75 आ जाएगा, ऊपर वालों को डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। 5 के टेबल में 75 कहाँ हज़ार आता है, 15000, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया आंसर, 15। ओके जी, 15 आंसर है। नेक्स्ट रुपीज़ इतने, ये 14 है, फिर आ रहा है 17 है, 42 है, 101 है, कितने, 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, पहले सम अप करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास ये है, तो मैं क्या करूँगी, ये देखें यहाँ मैं सारे रुपीज़ लिख लिए, डिवाइड किससे करूँगी, 5 से, क्योंकि 5 नंबर्स हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा RS 210, ठीक है। इनको प्लस करने से डिवाइडेड बाय 5 है, तो मेरे पास इनको डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, 42, ठीक है। तो रुपीज़ 42 आ गया। नेक्स्ट है मेरे पास 8 सेंटीमीटर, 25, 15, 32, 10, इनका क्या करेंगे, ये देखें इनका सम अप करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, इनका सम अप करने से मेरे पास आ जाएगा 90, और सेंटीमीटर यूनिट है तो वो सब के साथ है, तो 90 सेंटीमीटर आ गया डिवाइडेड बाय 5। तो इनको डिवाइड करने से मेरे पास आ जाएगा 18, ठीक है, साथ में सेंटीमीटर भी आ जाएगा, सही है। तो ये एवरेज निकल आई, देखिए यहाँ पे साथ सेंटीमीटर भी लगा दें। नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या कह रहे हैं, बिलो आर द वेट्स रिकॉर्डेड फॉर 4, 10 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, वर्क आउट द एवरेज वेट ऑफ द चिल्ड्रन, नेम है मूना, काशिफ, असलम, इंसिया, ठीक है। तो उनके वेट उनके सामने, हम लोगों ने क्या करना है, एवरेज वेट निकालना है, ठीक है। उसके लिए ये देखिए मैंने क्या लिखा है कि एवरेज फाइंड आउट करने के लिए मैं टोटल वेट्स, ये फॉर्मूला आएगा ना, एवरेज इज इक्वल टू टोटल वेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन, के टोटल वेट सब कम, जितने बच्चे हैं और जितने बच्चे कितने हैं, 4 हैं, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इनको सम करेंगे तो इनको सबको प्लस करने से मेरे पास आ जाएगा 146 kg डिवाइडेड बाय 4। अब मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 36.5 kg, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 36.5 kg आ गया।
होप सो आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। इस वीडियो अच्छी लगी ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।